देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सफाई करके मंदिर स्वच्छता के आह्वान का जवाब दिया और प्रभु राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर देश भर में मंदिर स्वच्छता का संदेश दिया, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी जिला गढ़चिरौली स्वच्छता मंदिर अभियान के तहत एक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए सांसद अशोक नेते ने स्वयं सामोशी तालुका में मार्कंडेश्वर मंदिर की सफाई की है, जिसे विदर्भ की काशी के रूप में जाना जाता है, जो एक पवित्र तीर्थस्थल है। गुरुवार 18 जनवरी को उन्होंने हाथों में झाड़ू पोछा लेकर भजन दिंटी के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की। मंदिर की सफाई के बाद भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी मंदिर की सफाई की। इस अवसर पर सांसद अशोक नेति ने भक्तिभाव से भगवान मार्कंडेश्वर की पूजा अर्चना कर और भजन दिंडी के साथ मंदिर के अंदरूनी हिस्से की सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। खासदार अशोक नेति ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ झाड़ू पोछा लेकर मंदिर और क्षेत्र की सफाई की। जब वे पहली बार मार्कंडेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो सांसद अशोक नेते का भजन डिंडी की माला पहनाकर उत्सव और उत्सव के साथ स्वागत किया। इसी तरह सांसद अशोक नेते तीर्थस्थल मार्कंडेश्वर मंदिर के विकास के लिए कृत संकल्पित है और उनके लगातार प्रयास भी जारी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।